जुले बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 2, 53। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, 820 निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स कीजिए, रिवर्स करेंगे तो फिर ये 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बन जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, तो उससे हमें निकालने में इजी हो जाएगा। तो इसको आप इस एपी सीरीज को आप रिवर्स करके लिख लीजिए, तो ये क्या बनेगा 253। पहले आप यहाँ देखिए ये सीरीज किस तरह चल रहा है, ये 5-5 इंक्रीज होके चल रहा है। अब जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये 5-5 डिग्रीज होगा, तो ये इसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। फिर सेकेंड टर्म क्या बनेगा, इसमें से 5 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बनेगा 248। उसी तरह ये चलेगा फर्स्ट टर्म तक, अब ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस एपी सीरीज का 20th टर्म निकालना है, जो कि हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, एक्चुअल एपी का 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो आप निकाल लीजिए, आप हमें क्या निकालना है, इस एपी सीरीज का 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म निकालना इजी हो जाएगा। तो अब लिखिए A20 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 19D, इस तरह लिखते हैं। तो अब फर्स्ट टर्म क्या है, आपने अब हमने रिवर्स किया तो फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 253 प्लस 19 इंटू डी। डी क्या है, अब इस एपी सीरीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 डिक्रीज हो रहा है, तो हम डी लेंगे -5, क्योंकि 5 डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, 253 प्लस माइनस माइनस 5 9 45 54 5 1 5 5 पर हम 4 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 253 में से 95 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब देखिए 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते तो हम यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4। 4 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते तो ये कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14। 14 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ क्या कितना बचा था बच्चों, 1। तो देखिए 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, 158। तो A20 हमें क्या मिला, 158। अब ये A20 क्या है, A20 है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हम लिख सकते हैं दस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म is 158। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले मैं थोड़ा आपको इस फार्मूला को किस तरह डिराइव करते हैं वो थोड़ा आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड हैं। तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला किसका है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हमारे पास एक एपी सीरीज हो उसमें एन टर्म्स हो तो उनका सम हम किस तरह निकालते हैं, n/2 इस फार्मूला से निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये फार्मूला किस तरह डिराइव करते हैं, इसका दो मेथड है। एक मेथड तो मैंने पहले आपको बताया था, उसको मैं रिवाइज कराता हूँ, दूसरा जो बुक में मेथड दिया हुआ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो पहले जो मैंने पहले बताया था वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए आप पहले एपी सीरीज जनरल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो एपी सीरीज को जनरल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी।
इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक ए पी सीरीज हो उसमें एन ड्रम्स हो तो उसका सम हम कैसे निकालते थे, एक तो इस ए पी सीरीज में कितने ड्रम है, एन ड्रम्स है, तो हम एस एन लिखेंगे, सम ऑफ एन ड्रम्स। तो सम ऑफ एन ड्रम्स को हम पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो किस तरह दिखाया था, नंबर ऑफ ड्रम्स इंटू एवरेज करके। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप लिख लीजिए एन इंटू एवरेज। एवरेज किसका, एपी सीरीज का। एपी सीरीज का एवरेज हम किस तरह निकालते थे, एपी सीरीज का एवरेज हम निकालते थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके टू से डिवाइड कीजिए तो उसका एवरेज हमें आ जाता था। उसी हिसाब से हम करेंगे जो मैंने पहले भी आपको नंबर लेकर दिखाया था। तो एवरेज की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज का एवरेज हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को टू से डिवाइड कीजिए तो हमें इस एपी सीरीज का एवरेज आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, टू आप बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा एन बाई टू। अब ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो हम इस तरह इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, दूसरा जो बुक में एक मेथड दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा किस तरह ये फार्मूला आता है। तो बच्चों अब देखिए, आप दूसरा मेथड देखिए, उसमें हम कैसे करेंगे, एक तो हम ये जो एपी सीरीज में जितने भी टर्म है उसको फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करके ऐड करके भी आ सकता है, दूसरा लास्ट टर्म से भी ऐड करके भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे एक हमारे पास एक एपी हो वन टू थ्री फोर, ये एपी सीरीज है क्योंकि इनके टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। तो इसमें कितना टर्म है, फोर टर्म है। तो सम ऑफ फोर टर्म्स को हम दो तरीके से हम प्लस कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हम ये भी कर सकते हैं, सम ऑफ फोर टर्म इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर भी कर सकते हैं, या इसको रिवर्स करके भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एस फोर को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, एस फोर इक्वल टू लास्ट टर्म को पहले लिखे फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, ऐसे भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको देखिए फिर ये आपको समझ में आ जाएगा, वो नंबर में है तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, तो उसी तरीके से आपने इसको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट लीजिए, इसको आप सेकंड लीजिए। ठीक है बच्चों, अब पहले आप ये थोड़ा इनका सम करके रख लीजिए ताकि हमें पता चले कि जब हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएंगे तो उसके साथ मैच होता है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम कितना आ रहा है, वैसे आ रहा है फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस वन टेन। तो हमें इस प्रोसीजर से भी करके हमें इसका सम टेन आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे, तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एस फोर है, यहाँ पर भी एस फोर है। तो जब हम दो इक्वेशन ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए एस फोर प्लस एस फोर क्या हो गया, टू एस फोर। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कीजिए, वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस थ्री अगेन फाइव, थ्री प्लस टू अगेन फाइव, फोर प्लस वन अगेन फाइव। अब इसको ऐसे रखिए फिलहाल, टू एस फोर, एस फोर मीन्स सम ऑफ फोर टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर सारे नंबर सेम आ रहा है, क्या आ रहे हैं, फाइव फाइव फाइव, कितने बार, चार बार, तो हम इसको फोर टाइम्स फाइव भी कर सकते हैं, फोर टाइम्स ऑफ फाइव भी लिख सकते हैं। अब देखिए एस फोर सम ऑफ फोर टर्म कितना आ रहा है, फोर इंटू फाइव, अब टू को यहाँ डिवाइड कीजिए, नीचे लाइए तो टू यहाँ आएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, एस फोर इक्वल टू टू फाइव ज़ा टेन। तो इस मेथड से भी करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हम ए इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए ये एक ए पी सीरीज है जिसमें एनथ टर्म है, तो इस ए पी सीरीज को एक तो हम इस तरह भी सम कर सकते हैं एस एन, एस एन क्यों, क्योंकि इसमें एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू
अब उसी तरह जैसे हमने ये किया उसी तरह कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म टू एन ए टर्म, तो ये आएगा ए प्लस डी। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए। ठीक है बच्चों, अब इसी सम ऑफ एन टर्म्स को हम रिवर्स भी प्लस कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर किया था रिवर्स प्लस किया था, उसी तरह हम इसको रिवर्स भी ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो एस एन को हम एक बार इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट लीजिए। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकेंड टर्म इसका सेकेंड लास्ट वाला होगा। अब यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डी इंक्रीज हो रहा है, यहां कोई डी नहीं था, यहां पर एक डी है, उसके बाद टू डी, डी इंक्रीज होता जाएगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसमें डी डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए ये हो गया इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकेंड टर्म क्या बनेगा, उसमें एक डी कम होगा, इससे इसमें जितना डी है उससे कम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म को हम सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस इसमें क्या हो रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर कितना डी है, एन माइनस वन डी है, तो एन माइनस वन का एक कम कितना होगा, एन माइनस टू होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस टू डी, यहाँ एक एक डी कम हो रहा है, यहाँ एक एक डी बढ़ रहा है। उसी तरह ये जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए। अब सेकेंड में क्या होगा, जो फर्स्ट का फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगा, तो इसको आप इक्वेशन सेकेंड लीजिए। अब थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ n माइनस टू इज वन लेस देन n माइनस वन। तो देखिए आप n को आप n इक्वल टू 40 लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ मैंने कहा कि n माइनस टू n माइनस वन से एक कम है, तो कैसे कम आ रहा है वो देख लीजिए। जब हम n को 40 लेंगे तो 40 n माइनस वन कितना आएगा, n माइनस वन आएगा 40 माइनस वन देट इज 39। अब देखिए n माइनस टू कितना आ रहा है, n माइनस टू, तो n कितना लिया था आपने, 40 लिया था, 40 माइनस टू कितना आ रहा है 38। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि n माइनस टू इज वन लेस देन n माइनस वन, n माइनस टू n माइनस वन से एक कम है, इस तरह हम देख सकते हैं बच्चों। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिया था उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो एस एन प्लस एस एन क्या हो गया, टू एस एन इज इक्वल टू। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म हमने ऐड करना है, ठीक है, पहले का फर्स्ट टर्म और दूसरे का लास्ट टर्म हमने ऐड करना है। तो देखिए इसमें a प्लस ए कितना हो रहा है, टू ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं है तो d वैसा ही रहेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये दोनों ऐड करके हमें ये आया, अब ये और इसको हमने ऐड करना है, इसको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, पहले a और a ऐड कीजिए, a प्लस ए टू ए प्लस, अब d और d प्लस कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना d है, एक d है, यहाँ पर कितना d है, n माइनस टू डी है। अब n माइनस टू डी पे हम क्या करेंगे, एक d ऐड करेंगे। ठीक है, जब n माइनस टू डी पर एक d ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस टू एक बड़ा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा तो n माइनस टू से एक बड़ा क्या है, n माइनस वन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो ये बन जाएगा n माइनस वन इंटू डी। उसी तरह प्लस करके हम अब ये लास्ट वाले भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, a और a प्लस करके क्या आएगा हमारे पास, 2a प्लस, अब d तो है नहीं तो d वैसे ही रहेगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, हर एक टर्म सेम मिल रहा है, हर एक टर्म सेम मिल रहा है, ये भी है,
2a plus n minus 1 into d, ये भी है 2a plus n minus 1 into d, ये भी है 2a plus n minus 1 into d. अब देखिए 2a plus n minus 1 into d कितने बार ऐड हो रहा है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n into this term भी लिख सकते हैं. तो हम इसको लिखेंगे 2sn equal to n into this term. तो ये आ गया 2a plus n minus 1 into d. ठीक है बच्चों, अब देखिए अब 2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये n के नीचे आएगा, तो ये आएगा हमारे पास sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो एक हम इस मेथड से भी इस फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट में हमें क्या मिला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, उसमें जितने भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो हम उसमें से हम कुछ क्वेश्चन में कल आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए. जुलाई